निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं किसमें? अभी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, आमाशय, शुद्रांग, वृषांग, अग्न्याशय। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, फिर जवाब आपने से ढूंढ के देना। तो यहाँ से मुंह से खाना खाया, ठीक है, इसको कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा से जैसे ही यहाँ से उतरता है इसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी से जाता है ये इधर बाएं तरफ, यहाँ पर एक पेटी होती है, इसको बोलते हैं अमाशय। और अमाशय के बाद यहाँ से यूं 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 करके 7.5 मीटर के लगभग एक पाइप होती है, थोड़ी थोड़ी, उसको बोलते हैं क्षुद्रांग। फिर वो इधर से बड़ी सी मोटी सी चौड़ी पाइप में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ पर आता है और ये काम होता है। तो पर ये कहाँ क्या क्या होता है जरा ये समझ लेते हैं, फिर जवाब देना। तो जैसे ही खाना खाया अंदर गया, तो जैसे मुंह से खाना खाया तो लार यहीं से शुरू हो जाती है। खाना जो चबाते हैं तो लार मिक्स होती है, तो ये लार क्या है, एक तरह का पाचक रस है, इसको लाला रस भी बोलते हैं ना, ठीक है। वो जैसे ही मिला खाने में क्या हो जाता है, लिबलिबापन हो जाता है, लुगदी बन जाता है। पर लुगदी क्यों, अगर लुगदी ना बने तो ये नैरेटिव के अंदर उतरना नहीं करेगा, तो लुगदी बनने की बजाय यहाँ से उतरने में आसानी हो जाए। जैसे यहाँ से उतरता है तो यहाँ से आके यहाँ पे एक पेटी बनी रहती है जिसको बोलते हैं अमाशय, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बाएं तरफ, ठीक है जी। वहाँ बाएं तरफ इकट्ठा होने के अंदर ये इसमें क्या क्या रहता है, इसमें पहले से रहता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, और बगल में इसी के बगल में एक वो इल्ली की आकार, इल्ली देखा है तुम लोगों ने, इल्ली नहीं जानते हो, अरे कीड़ा जैसे जैसे तितली बनता है इल्ली, क्या बोलते हो, इल्ली तो बोलते हैं और क्या बोलते हो, उसी टाइप के आकार का थोड़ा सा बड़ा सा यहाँ पे एक जो इल्ली भरा रहता है उसको बोलते हैं अग्न्याशय। वो भी रस छोड़ता है, वो भी एक प्रकार का पाचक रस छोड़ता है, इसमें उसी में पेटी में। फिर जब सब ये पेटी से जब पचपचा जाता है, मतलब हिसाब किताब बन जाता है आगे, तो आगे का बल्ब चालू हो जाता है, तो फिर वो आगे धक्का मारता है, बोले चल तेरा काम हो गया, फुट अगले कमरे में। जैसे नहीं कहते तुम लोग छठवीं पास हो गए, फिर कहता चल अब बट आगे सातवीं में जाए, तो अब छठवीं में तो नहीं बैठोगे, तो पीछे थोड़ी लौटेगा। अब सातवीं पास कर गए तो फिर कहाँ जाएगा, आठवीं, आठवीं पास कर गए तो नौवीं। तो वैसे ही जब इसका काम हो गया जितनी देर तक होना था, और फिर बोलता चल आगे बढ़ आगे बढ़, सो आगे धक्का दे दिया, सो आगे बढ़ना शुरू होता है। तो कहाँ पे सरकता है, क्षुद्रांत में। अब क्षुद्रांत में क्या होता है, क्षुद्रांत एक पतली सी पाइप टाइप की होती है, वो 7.5 मीटर लचकदार, यहाँ पर पता नहीं चलता कहाँ, 7.5 मीटर ही बहुत होता है, यहाँ पर बिल्कुल केचुए की तरह लोटी रहती है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है बारीक बारीक, जैसे ये नो ये है ना, ये ऐसे ही वो बारीक बारीक ऐसे सोते रहते हैं। तो जैसे ही ये माल आगे बढ़ता है, कौन ये वाला, बोले चल चल तू पास हो गया, आगे बढ़, तो जैसे ही ये बढ़ता तो इसको पता चल जाता है आया आया कोई आया आया, तो ये सब खड़े हो जाते हैं, ये आया आया आया। इनका काम क्या है, ये जो पचा दिया है मतलब बढ़िया बेस्ट टेस्ट बना के आगे भेजे, तो इनका काम रहता है, इनके अंदर भी बारीक बारीक नसें होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको खड़े हो जाते हैं तनके, आ जा आ जा आ जा, पहले ऐसे सो रहे होते फिर आगे तनके, ये अभी देखो सो रहा है ना ये, और इस पे बर्फ रख दो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे सब, है ना। सपोज वही रस उसके अंदर जो होते हैं वो क्षुद्रांत में सोए रहते, बिल्कुल जहाँ देखे कि वो आया आया है, बोले सब चालू हो जाओ, वो सब चालू हो जाते हैं और खड़े खड़े हो जाते हैं ऐसे। अब इन्हीं के बीच से वो निकलेगा जो रेडी होके आया है माल, अब वो देख रहे थे, इनका काम रहता है बढ़िया आराम से उसमें लबड़ 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 चूसते रहते, ठीक है। तो उनका नाम है रसांकुर। अब ये चूसते हुए चूसते हुए, अभी पूरा देख लो, चूसते जाएंगे आगे आगे बढ़ते 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 जितना चूसना था चूस लिया है ना, तो अब सारा का सारा तो नहीं चूस पाते हैं, कुछ ऐसा भी रहता है तुम लोग खा लेते हो सारे कभी कभी जल्दी जल्दी में, क्या कि बगल वाला ना खा लिया ठूस भी लेते हो, तो वो जल्दी नहीं पचता, तो अधपचा रह जाता है, तो भी कहता जी तेगा मेरे इलाके का काम हो गया, अब चल बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, तो कहाँ धक्का मारेगा, बोले आगे बढ़ मेरे पास अब टाइम नहीं है, दूसरा आने वाला है। सो वो फिर ढोस की कहाँ ले जाएगा, बृहदान्त में, बृहदान्त उससे चौड़ी पाइप होती है, वो यहाँ से चलती है ऐसे 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 आते यहाँ तक। अब यहाँ से इसने बोले चल बाल निकाल मेरे काम, मेरे क्लास से काम हो गया, दूसरे क्लास में जा, वो ने धक्का मारा इधर आया, अब इधर आएगा तो जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, कपड़ा निचोड़े हो कभी, यस सर,
कपड़े में क्या करते हैं, निचोड़ अगर ना निचोड़ो तो पानी टपकता रहता है, और अच्छे से निचोड़ दो तभी गीला रहता है, एकदम सूखता नहीं है। अब यहाँ से तो बढ़िया लसक पड़ा, जितना उसने चूसना था चूस लिया, तब से पानी भी भरा तो जाएगा तो अरे छन्ना लगेगा उस पर, छनेगा पानी, पानी नीचे आएगा, नीचे एक थैली रहती है वहाँ में इकट्ठा होगा, फिर ऊपर चढ़ेगा तो सूखा तो है नहीं, सूख जाएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ठीक वैसे कपड़ा तो निचोड़ दिए हो, पानी निकलने वाला तो रहेगा लेकिन अभी भी गीला है वो, वो ऊपर जाएगा, अगर सूख गया तो फिर तो बढ़ेगा ही नहीं, वो ऊपर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक थैली आई, कौन आई थैली, थैली का नाम है मलाशय, और वहां पे जाके आ बोले रुक जा भाई अभी रुक जा कहीं नहीं जाना। अब दोनों जगह इधर भी एक थैली है, इधर पानी पानी इकट्ठा हो गया रस, और इधर बोले इसको मूत्राशय बोलते हैं, और इधर वाली थैली को मलाशय, अब दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये क्या है, सराय है, सराय माने धर्मशाला। अब धर्मशाला में अब तुम जाके बैठ गए आराम से, तो जो मालिक ये बैठा हुआ है, मालिक कहाँ बैठा है, यहाँ मास्टर ग्रंथी, जिसको पीयूष ग्रंथी बोलते हैं। अब इसको पता चला ना बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो ऊपर से आदेश देता है, एक हारमोन्स रिलीज करता है, देख देख बहुत देर से फालतू बैठा था, क्या कह रहे बहुत देर से बैठे, टाइम पूरा हो गया। तो जैसे ही इसने मैसेज दिया तो तुमको पता चल गया, सर एक नंबर, इधर वाले को मैसेज दिया ना सर दो नंबर, तो तुरंत ही भागते हो, होता है ना। तो इधर वाले को मैसेज दिया तो इधर भगा एक नंबर, इधर वाले को मैसेज दिया तो बोले भगा 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 भगा, फिर सबके अपने अपने दरवाजे हैं उससे भगा देते हैं। तो इस तरह हमारा ये चलता है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारे को क्या जवाब मिला, हाँ अरे ये तरीके बहुत ही, अरे सलगी रामायण खत्म कर दिया अभी नहीं समझ पा रहा है सीता का बाप कौन भाई, ये नंबर का है, ये कहाँ पर मिले हैं, कहाँ मिले हैं, तीन नंबर में ऐसा निकाल दिए। अमाशय कहाँ है, ये पहला वाला, यहाँ शुरुआत में इकट्ठा हुआ, फिर ये पाइप में पड़ा, पाइप ही में तो है ये है क्या बोलते हैं रसांकुर, ठीक है ना, इनको रसांकुर बोलते हैं, एक शब्द और बोलते हैं, और बृहदान्त, बृहदान्त में तो पानी पानी नोचे निचोड़ा और इधर छुपता छुपता बाहर भगाया, और अरण्यस्य क्या है वो रस छोड़ता है, समझ में आया, अंदाज लगा पाओगे, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया तो जुगाड़ लगा लोगे ना, चलो।